हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिनेश। आप मुझे लैपटॉप रिपेयरिंग एवं लैपटॉप रिपेयरिंग की ट्रेनिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एकदम कॉमन प्रॉब्लम आती है, 3342 का ये बोर्ड है, सेडार का 13269। इससे रिलेटेड मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो डाली हैं। एक इसमें कॉमन प्रॉब्लम आती है जो 7 बीप का इशू, जिसके बारे में मैंने बताया है कि आपका LPC बस कम्युनिकेशन लाइन RN1806 के थ्रू होकर जा रही होती है। ये देखो, आप कैमरे में देख लो, ठीक है। LPC बस कम्युनिकेशन लाइन की जो 7 बीप का इशू आता है, वो आता है यहाँ से, ठीक है। यहाँ से ये जो ट्रैक नीचे आ रहे होते हैं, जनरली यहीं पे कट जाता है और इस बोर्ड में आयो काफ़ी ख़राब होती है। साथ के साथ आयो के साथ यहाँ पे ये दो मॉसफेट ये हैं आपके मॉसफेट, एक Q2402, ठीक है। मैं दिखाता हूँ, ये रहा आपका, ठीक है, Q2402 और Q2403, ठीक है। ये PSL लॉजिक और आउटपुट S5 इनेबल करने के लिए सिग्नल जनरेट करते हैं। जैसे PSL लॉजिक होता है PSL1, PSL2, ठीक है, और उसके बाद PSL आउट। PSL आउट 0 होना चाहिए, 0 आउट होते ही। PSL लॉजिक से रिलेटेड भी मैंने वीडियो बताई है, तो पहले PSL लॉजिक समझें, उसके बाद आपका देखिए PSL लॉजिक का क्या कॉन्सेप्ट है। चार्जिंग IC से 0 वोल्ट आएगी PSL1 के रूप में, PSL in 1 के रूप में, और ऑन ऑफ स्विच से 3 वोल्ट की सप्लाई आएगी IO को PSL2 के इनपुट में, ठीक है। एक 0 है और एक 3.3 है, और इसका आउटपुट एट द सेम टाइम IO से आउटपुट क्या होना चाहिए, PSL out 0 वोल्ट। अगर 3 वोल्ट आउट होगा तो मामला गड़बड़ होगा, ठीक है। अब PSL out, अब आप स्कीमेटिक देखें तो यहाँ पर देखिए PSL out, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, ये हमारा है PSL out, ये 0 वोल्ट जनरेट होना चाहिए और जनरेट होके इस लॉजिक, ये है MOSFET पी टाइप का, अगर 0 वोल्ट यहाँ पर आएगा तो ये ऑन हो जाएगा और ये 3 वोल्ट इस 3 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ ही के साथ 0 वोल्ट यहाँ पर आएगा, ठीक है। अगर यहाँ 0 वोल्ट आएगा तो ये ऑन नहीं होगा, ऑन नहीं होगा तो ये ग्राउंड यहाँ शिफ्ट नहीं होगा, ये 3 वोल्ट 3.3 ऑक्सिलरी वोल्ट आपकी S5 इनेबल बन के जाएगी। अगर यहाँ पे PSL आउट का इफेक्ट नहीं, अगर PSL आउट 0 वोल्ट है लेकिन फिर भी ये 3.3 वोल्ट जो है ये नीचे आ जाए, यहाँ गेट पे आ जाए और यही 3 वोल्ट यहाँ गेट पे आएगी तो क्या होगा, गेट पे आएगा तो ये ऑफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। हाँ, दूसरा क्या है, साथ के साथ ये 3 वोल्ट नीचे आ जाएगा तो ये वाला क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा और ये ग्राउंड इधर चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, जिससे 3-5 की IC इनेबल नहीं होगा और बोर्ड ट्रिगर नहीं होगा। अब ऐसी केस में अगर आपके पास क्या होता है, अगर ये दोनों MOSFET, अब देखिए फिर से दोबारा, ये दोनों MOSFET अगर आपके पास है सीधे सीधे बदल दो, आपकी प्रॉब्लम ही रिजोल्व हो जाएगी। लेकिन इसमें प्रॉब्लम अगर ऐसी आती है कि ये काम ना करे, तो इस वाले पिन से यहाँ पे ये जो ग्राउंड है अभी लगा हुआ है, ठीक है, इस वाले पिन से आप एक जम्पर उठाओ और इस पिन को डायरेक्ट कनेक्ट कर दो, बस सिंपल। ओके, सो मैं इस पे जम्पर करने भी जा रहा हूँ, जम्पर ऐड करूँगा क्योंकि ये प्रॉब्लम कर रहा है। क्या कर रहा है ये प्रॉब्लम, मैं इसको जम्पर ऐड ही कर देता हूँ, परमानेंट सोल्यूशन हो जाएगा इसका। जम्पर इस लेग से उठा के इस लेग पे आपको जम्पर करना है, ठीक है। बस आप ये याद रखो कि जम्पर कहाँ मारना है, दैट्स इट। जम्पर कर लेते हैं भाई, यहाँ से उठा के लेकर आइए, यहाँ से ओके जी। नाउ इसको करिए कनेक्ट। अब आप देख पा रहे होंगे जम्पर मैंने कहाँ मार दिया, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है इसमें एकदम बिल्कुल। जनरली ये MOSFET दोनों चेंज करते हैं लोग, अगर MOSFET नहीं भी है तो आप ये जुगाड़ जिसको बोलते हैं ये डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी सर। मेक श्योर कि बाकी कोई पीने आपस में टच हो,
अब देखिए बोर्ड मैंने कनेक्ट कर लिया, देखिए इधर कनेक्ट कर लिया डीसी पावर सप्लाई। अब आप चालू करिए बोर्ड ऑन जी। एक जम्पर 10 पैसे का भी नहीं होगा, 1000 रुपये तो दिलाएगा ना भाई। सो फिर से मुस्कुराओ, आप हमारे संगत में हो। वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।